हेलो एवरीवन, 5 मिनट हम वेट करेंगे ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें. ओके, तो प्लीज़ 5 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे. ओके, सो हेलो एवरीवन, आज है क्लास में वेलकम आपका. तो क्लास शुरू करने से पहले प्लीज चैट में मुझे कंफर्म कीजिए कि मेरी ऑडियो ऑडिबल है और जो स्क्रीन मैंने शेयर किया है वो विजिबल है. एवरीवन, ओके, तो क्लास शुरू करने से पहले हम अपने कल के क्लास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. कल के क्लास में जो हम लोगों ने कवर किया था वो था इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जो कि हम लोग अपने इस पूरे कोर्स में यूज करने वाले हैं. तो उसी के लिए आपको इन इन टर्म्स का मतलब पता होना जरूरी था. तो कल की क्लास हम लोगों ने कवर किया था इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि एडवेयर, अटैक, बैकडोर, बॉट, बॉटनेट, ब्रूट फोर्स अटैक, बफर ओवरफ्लो, क्लोन फिशिंग, क्रैकर, डॉस, DDoS, exploit kit, exploit, firewall, keystroke logging, logic bomb, malware, master program, phishing, freaker, rootkit, shrink wrap code, social engineering, spam, spoofing, spyware, SQL injection, threat, trojan, virus, vulnerability, worms, crop size scripting and zombie drone. ये सारे के सारे terms हम लोगों ने cover किए थे. और इसके अलावा कुछ टूल्स के बारे में हम लोगों ने देखा था, जैसे कि nmap टूल, metasploit टूल, burpsuit टूल, angry ip scanner टूल एंड knenable टूल, और बहुत सारे टूल्स के बारे में हम लोगों ने जाना था कि वो क्या है, कैसे काम करता है और क्या यूज होता है. ओके, तो कल के क्लास से इन टर्म्स में किसी को कोई कंफ्यूजन जो हम लोगों ने कल कवर किया था, अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं किसी भी कोई भी टर्म से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन आपको कि ये क्या है वो क्या है.
ओके तो किसी को ये कन्फ्यूजन नहीं है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन भी यूजर्स का वेबकैम ऑन है अपने स्मार्टफोन या पीसी का, प्लीज वो स्विच ऑफ कर लीजिए ताकि इंटरनेट कनेक्शन में कोई इशू ना हो। ओके, एसक्यूएल इंजेक्शन और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ओके, एसक्यूएल इंजेक्शन का सीन ये है कि कोई भी वेबसाइट्स जो कि डेटाबेस ड्रिवन होती हैं, डेटाबेस ड्रिवन मतलब डायनेमिक वेबसाइट्स जो यूजर को डेटा फैच करके डेटाबेस से दिखाती हैं बैक एंड से, तो ये जो डेटाबेस का यूज होता है ये एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है ओके, जिसके हेल्प से ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, फैच करना डेटा का, डेटा को अपलोड करना, डेटा को डिलीट करना। तो कुछ ऐसे वेबसाइट्स जो एसक्यूएल इंजेक्शन से इन्फेक्टेड हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन मतलब कि ऐसे कोड्स, ऐसे क्वेरीज जिसको हम अगर इंसर्ट कर दें वेबसाइट में तो वो उस डेटाबेस को हैक कर सकता है और उस डेटाबेस के डेटा को फैच करके वहां पे डंप कर सकता है। तो वैसे इश्यूज को ट्रिगर करने के लिए हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज करते हैं। ओके, सपोज कोई वेबसाइट है, अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं ऐसे आईडी इक्वल टू 1 या तो ऐसे सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये डोमेन है .org/page.php id=1। इसका id इक्वल टू 1 का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अपने डेटाबेस से पहले नंबर पे जो id है यानी फर्स्ट नंबर जो रो का वैल्यू है, फर्स्ट नंबर का डेटा को फैच करके दिखा रहा है। अगर यहाँ हम 2 करेंगे तो एक सेकेंड नंबर के पेज को फैच करके दिखाएगा, अब आउटर्स खुल गया। अगर हम 3 करेंगे तो ये थर्ड नंबर पेज को खोल के वहां दिखाएगा। अगर हम फोर्थ करेंगे तो फोर्थ नंबर पे जो पेज होगा उसको वहां पे ये दिखा देगा। ओके, सपोज यहां हम 5 डालते हैं तो 5 नंबर पे जो उसका लिंक जो पेज था वो वहां पे दिखा दिया। अगर हम 6 डालते हैं तो 6 नंबर पे जो उसका पेज है वो वहां पे शो कर देगा। इसका मतलब क्या कि ये डेटा जो है सारा का सारा ये स्टैटिक है, स्टैटिक नहीं है। ओके, ये डायनेमिक है यानी डेटाबेस से फैच कर रहा है। सपोज कि हम page.php सिर्फ ओपन करते हैं और आईडी वहां डालते ही नहीं है तो आप देखिए क्या एरर आ रहा है यहाँ पे। यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट कोरेस्पॉन्ड्स टू योर MySQL दिस थिंग कमांड। ओके, यानी कि ये वेबसाइट जो है एसक्यूएल को अच्छे से हैंडल नहीं कर रहा है, क्वेरीज को अच्छे से हैंडल नहीं कर रहा है, डेटाबेस से जो क्वेरीज को फैच कर रहा है सही से उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। एरर जो यहाँ पे आ रहा है वो एरर हैंडलिंग बिल्कुल नहीं कर रहा है। एक अच्छा प्रोग्रामर, एक अच्छा डेवलपर या एक अच्छी वेबसाइट वही होती है जो कि एरर्स को हैंडल करने में बहुत ही एडवांस होती है। तो ये एरर हैंडल नहीं कर पा रहा है यानी कि ये एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है। अब सपोज यहाँ पे हम देखे थे आईडी इक्वल टू 6, तो अब यहाँ पे पता करना है कि ये एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है कि नहीं है। उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 6 जो है ये अंडरस्टैंडेबल वैल्यू है डेटाबेस के लिए। डेटाबेस इस वैल्यू को अच्छे से समझ सकता है कि हाँ मेरे पास 6 वैल्यू आ रहा है यानी कि इसको छठे नंबर पे जो भी डेटा है वो वहां प्रिंट कर दो। अगर इसमें हम कुछ स्पेशल करेक्टर भेजें, ऐसा करेक्टर जो कि डेटाबेस रीड ना कर पाए, तो उस केस में क्या होगा, अगर एरर हैंडल कर लेगा तो ये हैक नहीं हो सकता और अगर एरर हैंडल नहीं कर सकता तो वो हैक हो सकता है। तो हम एक स्पेशल करेक्टर पास करते हैं, ये कॉलन पास, ये हम कॉमा पास करते हैं, कोट एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक एरर आ गया, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स। इसका मतलब इसको हम एसक्यूएल इंजेक्शन से हैक कर सकते हैं, ये मतलब वो एसक्यूएल इंजेक्शन का। अब इसमें कैसे करेंगे वो हम अपने प्रैक्टिकल्स अगले प्रैक्टिकल्स में देखेंगे जब हम एसक्यूएल इंजेक्शन टॉपिक पे पहुंचेंगे। तो क्लियर है आपको एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है एवरीवन? अगर हम यहाँ पे ये जो कॉमा हम लोगों ने डाला ये डालते और कुछ एरर नहीं आता, इसका मतलब वो उससे वल्नरेबल नहीं है यानी कि उसने उस एरर को अच्छे से हैंडल कर लिया है, यानी कि उसमें हम मैलिशियस कोड को इनपुट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका एसक्यूएल इंजेक्शन। अब आते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पे, जो कि दूसरे स्टूडेंट ने पूछा, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग तो
कोई भी वेबसाइट जब क्रिएट होता है तो वो अलग अलग लैंग्वेजेस पे क्रिएट होता है। हम इसी का एग्जांपल एक बार देख लेते हैं जो हम लोगों ने अभी खोला था। तो बहुत सारे वेबसाइट जो होते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में बने हुए रहते हैं। कोई भी बता सकता है क्या कि ये वेबसाइट किस लैंग्वेज में बना हुआ है? क्लियरली विजिबल है कि किस लैंग्वेज में बना हुआ है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं किस लैंग्वेज में बना हुआ वेबसाइट ये? एवरीवन यस, ये पीएचपी लैंग्वेज पे बना हुआ है। ओके अब क्या है कि पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि सारा का सारा इसमें डायनामिकली हो रहा है। सारे के सारे डेटा जो है वो डेटाबेस से फैच हो रहे हैं, सर्वर से फैच हो रहे हैं, यूजर के कमांड के हिसाब से। यूजर अगर होम पे क्लिक करता है तो आईडी चल जाता है आपका, यहाँ इंडेक्स डॉट पीएचपी खुल गया। प्रोग्राम्स पे क्लिक करता है तो आपका पेज डॉट पीएचपी आईडी इक्वल टू 1 खुल गया। अबाउट अस पे क्लिक करता है तो आईडी इक्वल टू 2 खुल गया। सारे के सारे जो कम्युनिकेशन हो रहे हैं सर्वर के साथ और बैकएंड में हो रहे हैं पीएचपी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के हेल्प से। ओके अब क्या होता है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में बहुत सारे चीज बैकएंड में होते हैं जो कि यूजर को क्लियरली विजिबल नहीं है। आपको तो सिर्फ क्लिक करना है, आपको तो ये नहीं दिख रहा कि बैकएंड में हो क्या रहा है। तो ऐसे वेबसाइट्स जिसमें हम लोग मेलिशियस कोड्स को इंजेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सेशंस का हो गया या तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स हो गए इंजेक्ट करने के लिए इसके बैकएंड हेडर्स में, तो उस केस में उस वेबसाइट को बोलते हैं हम लोग XSS वल्नरेबल वेबसाइट, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबल वेबसाइट। यानी कि हम इसके हेडर्स में इसके बैकएंड में कुछ मेलिशियस कोड को इंजेक्ट करते हैं तो वो हैक हो सकता है। मेलिशियस कोड्स जैसे कि सेशंस उसका हाईजैक करना और बहुत सारे एग्जांपल्स। ओके तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक कंप्यूटर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है जो कि वेब एप्लीकेशंस में मिलती है हमको। ओके तो जो यूजर्स वेबसाइट को देख रहे हैं तो इजिली उसको वो चेंज नहीं कर सकते हैं, कुछ मेलिशियस कोड को इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट वेबसाइट अगर XSS अटैक से वल्नरेबल हुआ तो उस केस में हम लोग मेलिशियस कोड्स को इंजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इंस्पेक्ट में जाते हैं, इंस्पेक्ट में अगर हम जाते हैं और एप्लीकेशन में जाते हैं तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कुछ सेशन है कि क्या। ओके तो यहाँ पे अभी फिलहाल कोई सेशन नहीं है, अगर होगा तो यहाँ पे दिखाएगा की और वैल्यू में। ओके तो ऐसे वेबसाइट्स जो XSS से वल्नरेबल हुए उस केस में हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ डेटा को इंजेक्ट कर सकते हैं जिसके हेल्प से हम लोग उसको वेबसाइट को हैक कर सकते हैं और कुछ भी डेटा को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके तो ये पॉसिबल होता है XSS अटैक, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। ओके क्लियर है XSS अटैक एवरीवन? ओके तो कल हम लोगों ने कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस किया था जिसका आज हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। वो टूल्स थे आपके Nmap, Metasploit और Kinenable। तो आज हम Nmap के प्रैक्टिकल्स के थ्रू जाएंगे। ओके तो सबसे पहले कोई भी इथिकल हैकर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या कोई हैकर, चाहे वो काम इलीगल हो या लीगल करने वाला हो, कभी भी अपना एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करता है, अपने टारगेट के बारे में जानता है। अगर आप कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं कोई एक्टिविटी, तो क्या आप बिना टारगेट के परफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपको वो चीज परफॉर्म करने के लिए टारगेट चाहिए, आपको प्रैक्टिस के लिए भी टारगेट चाहिए, आपको वो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए भी कोई पर्टिकुलर टारगेट चाहिए जिसके ऊपर आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं। हम लोग अपने सेशंस में पहली बार कोई भी ऐसे वेबसाइट्स पे परफॉर्म नहीं करने वाले हैं ये सारे के सारे प्रैक्टिकल जिसका परमिशन हमको ना हो। हम उसी पे करेंगे जिसका परमिशन हमारे पास अवेलेबल है। ओके इज इट क्लियर? कोई भी यूजर, कोई भी स्टूडेंट ऐसे वेबसाइट्स को स्कैन नहीं करेगा, ऐसे प्लेटफॉर्म को स्कैन नहीं करेगा जिसका परमिशन उसके पास ना हो। जैसे कि डिफेंस के वेबसाइट, आर्मी वेबसाइट्स जो भी हैं डिफेंस में आ गए, हॉस्पिटल्स, बैंक के वेबसाइट, इन सभी वेबसाइट्स को स्कैन करना मना है। ओके अगर आप करते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके खिलाफ आप कुछ भी एक्शन रेज हो सकता है, और अगर कुछ एक्शन रेज होता है तो हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके कोई भी स्कैनिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो आपके ऊपर है, आपके ऊपर रिस्क रहेगा। वो हमारे तरफ से रिकमेंडेशन है आपका कि आप प्लीज ऐसे वेबसाइट्स को ही स्कैन कीजिए जिसका हम आपको रिकमेंडेशन करेंगे। ठीक है, रिकमेंडेशन में क्या क्या वेबसाइट्स आ गए जो कि वल्नरेबल वेबसाइट्स ओपनली गूगल पे अवेलेबल हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए, सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए और प्रैक्टिकल्स के लिए,
सिर्फ उन्हीं का आप यूज कीजिएगा. ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? मेरे को दोबारा ये रिपीट ना करना पड़े. एवरीवन, इज इट क्लियर? ओके, तो अब बात आता है कि आपके पास प्रैक्टिकल करने के लिए वेबसाइट्स कहाँ से मिलेगा आपको. वेल, मैं आपको कुछ ऐसे एप्लीकेशंस प्रोवाइड करूंगा जो कि खासकर इन्हीं एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है. ओके, सो फॉर एग्जांपल DVWA. DVWA एक ऐसा वेब एप्लीकेशन है जो कि खासकर टेस्टिंग पर्पस के लिए ही बनाया गया है. DVWA आप इसको सर्च कर सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन. ये वेब एप्लीकेशन जो है अलग अलग लेवल्स पे बनाया गया है. आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग्स को चेंज करके उसके लेवल्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप उसमें सेटिंग्स में जाके उसके सेटिंग्स को लो पे कर दीजिए, उसके सिक्योरिटी लेवल्स को लो पे कर दीजिए, ताकि उसको हैक करना आसान रहे. ओके, अगर आप एक्सपीरियंस अच्छा गेन कर लेते हैं इस कोर्स के एंड में, तो उसको आप हाई लेवल का सिक्योरिटी पे पहुंचा के उसको आप फिर यूज कीजिए, परफॉर्म कीजिए अपने प्रैक्टिकल्स को. ओके, तो ऐसे मैं आपको 4 से 5 एप्लीकेशंस देने वाला हूं जिसको आप टेस्टिंग पर्पस से यूज कर सकते हैं. ओके, आपको ऐसे कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे परफॉर्म करने का कोई जरूरत नहीं है जिसका आपके पास परमिशन नहीं है. कोई भी अगर इश्यू होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं रहेगा. ओके, अभी हम कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं कुछ आईपी एड्रेसेस पे स्कैनिंग का, जिसका परमिशन हमारे पास है. ओके, जैसे कि nextcheck.com हम अपने खुद के डोमेन पे करेंगे जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन है. ओके, सो आप बस अपने ट्यूटोरियल को फॉलो कीजिए. पैरेलली आप परफॉर्म मत कीजिएगा ट्यूटोरियल, जो भी प्रैक्टिकल है कोर्स ये सेशन एंड होने के बाद उस प्रैक्टिकल को आप कीजिएगा. ओके, साथ साथ करेंगे तो हो सकता है कि कुछ मिस हो जाए और आपको वो क्लियर ना हो पाए. Is that clear, everyone? Okay. So without wasting much time, let us start further. तो सबसे पहले कोई भी साइबर सिक्योरिटी एक्शन, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना होता है तो हमको अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज टू गैदर इंफॉर्मेशन. सबसे पहला स्टेप है उस टारगेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, टू गैदर इंफॉर्मेशन. उसी के बाद ही हम उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद ही हम उस डेटा को प्रोसेस करेंगे, उसमें खामियां निकालेंगे, क्या क्या उसमें एरर्स हैं, क्या क्या उसमें बग्स हैं, क्या क्या उसमें इश्यूज हैं, वल्नरेबिलिटीज हैं और वीकनेस हैं, लूप होल्स. ओके, देन उस कमजोरियों का, उस लूप होल्स का, उस वीकनेसेस का, उस वल्नरेबिलिटी का यूज करके हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं. ओके, ये नॉर्मल प्रोसेस है एक हैकर का. ओके, तो उस प्रोसेस को जानने के लिए आपको उस प्रोसेस को परफॉर्म करना जरूरी है, तभी जाके आप उस हैकर के अगेंस्ट काम कर पाएंगे. ओके, बिकॉज अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपका पोजीशन बेसिकली या तो हो सकता है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वल्नरेबिलिटी एक्सपर्ट, या तो एक हायर प्रोफेशनल जो कि सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करता है. तो आपका रोल ये होगा कि उसी हैकर के स्टेप्स को समझ के, याद करके, या तो परफॉर्म करके आपको उसको उसके खिलाफ यूज करना है, उसको ट्रैक करना है, जिसके लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि आखिर वो हैकर ये करता कैसे है. ओके, तो सो द फर्स्ट स्टेप है वो है इंफॉर्मेशन गैदर करना. इंफॉर्मेशन गैदर करने का पहला स्टेप क्या है, डिपेंड करता है ये कि आपका टारगेट कौन है. हो सकता है कि आपका टारगेट कोई वेब एप्लीकेशन हो या तो वेबसाइट हो. ओके, या तो हो सकता है कि आपका टारगेट कोई पर्टिकुलर पर्सन हो. तो हैकर्स का नॉर्मली स्टेप प्रोसेस ये होता है कि अगर वो वेब एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर को टारगेट करते हैं, पहला स्टेप होता है वो लोग उसका आईपी एड्रेस खोजने का कोशिश करते हैं. ओके, वो चाहते हैं कि कैसे भी उनको उसका आईपी एड्रेस जो है, जो कि उसका मेन एड्रेस होता है कोई भी वेबसाइट एप्लीकेशन का, वो पता करना होता है. ओके, या तो सेकेंड चीज, अगर आपका कोई पर्टिकुलर टारगेट दूसरा कोई एक पर्सन है, कोई एक ह्यूमन बींग है, तो उस केस में आप उसको सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे उसको सर्च करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. ओके, तो ये दो तरीका होता है. तो अभी हम प्रैक्टिकल्स में सेकंड पे ना जाके पहला वाला प्रैक्टिकल करने वाले हैं, जिसमें हम एक वेब एप्लीकेशन का आईपी एड्रेस ढूंढेंगे और उसको
nmap नाम के एक टूल के थ्रू उसको स्कैन करेंगे। स्कैन करके हमको उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है, जैसे कि वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे बना हुआ है, कौन से सर्वर्स हैं, कौन से नेम सर्वर्स हैं, मेल सर्वर में वो क्या यूज कर रहा है, आईपी एड्रेस का रिकॉर्ड में वो क्या यूज कर रहा है, और कितने पोर्ट्स उसके ओपन है, कितने पोर्ट्स उसके क्लोज है। इन्हीं सब डेटा को इकट्ठा करने के बाद एक हैकर अपना एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ओके, जब हमको ये इंफॉर्मेशन मिल जाता है, तब हमको हमारे पास उस टारगेट के बारे में सारा चीज हमारे पास अवेलेबल रहता है कि उसका सर्वर का लोकेशन कहाँ है, उसने अपने वेब सर्वर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, उसके पास कितने सारे पोर्ट्स ओपन है, कितने क्लोज हैं। इसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। ओके, पहला स्टेप इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, dvwa.co.uk। ये इस डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन का मेन डोमेन है, तो इस पे हम अपना स्कैनिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज इसके लिए कोई परमिशन का जरूरत नहीं पड़ता है, ये बनाया ही गया है टेस्टिंग पर्पस से। ओके, पहला स्टेप है इसका आईपी एड्रेस ढूंढना। तो आप में से कितने लोग जानते हैं आईपी एड्रेस कैसे निकाला जाता है? प्लीज लेट मी नो इन द चैट, हाउ टू फाइंड आईपी एड्रेस ऑफ दीज डोमेन्स, इस डोमेन का आईपी एड्रेस कैसे हम निकाल सकते हैं? Yes, बहुत से लोग कह रहे हैं एनएस लुकअप, डीएनएस लुकअप, ट्रेसर्ट, हुइस रिकॉर्ड, पिंग। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। सबसे बेसिक तरीका होता है आपका, या तो आप पिंग से यूज कीजिए पिंग कमांड का, या तो आप यूज कर सकते हैं हुइस डॉट नेट, या तो यूज कर सकते हैं आप डीएनएस लुकअप। ओके, पहला हम यूज करते हैं पिंग। पिंग कमांड के बारे में पहले आपको बता दूं मैं कि पिंग कमांड का यूज आईपी एड्रेस खोजने के लिए नहीं होता है। पिंग का बेसिक यूज होता है ये पता करने के लिए कि उस पर्टिकुलर डोमेन को पिंग करो, यानी कि उसको वेक करो, एक उसको कमांड भेजो पता करने के लिए कि क्या वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि उसको एक छोटा सा पैकेट भेजो, इसका रिस्पॉन्स अगर आए इसका मतलब वो एक्टिव है, अगर रिस्पॉन्स नहीं आए इसका मतलब वो एक्टिव नहीं है। पहले हम ट्राई करते हैं कोई ऐसे डोमेन पे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सपोज कुछ भी टाइप करते हैं .com, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आपका एरर आएगा कि पिंग रिक्वेस्ट कैन नॉट कुड नॉट फाइंड होस्ट, जो भी आपने होस्ट डाला है प्लीज ट्राई अगेन, यानी कि ऐसा कोई होस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल ही नहीं है। ओके, या तो हम ट्राई करते हैं कोई ऐसा डोमेन जो अभी बंद है, उसमें क्या होगा कि आपका रिस्पॉन्स कुछ आएगा ही नहीं। ओके, अभी हम ट्राई करते हैं dvwa.co.uk, एंटर। तो यहाँ पे आपको रिप्लाई आ रहा है कि पिंग का रिस्पॉन्स 32 bytes of data के साथ ये IP address पे ping हुआ है, reply इधर से आया है, फिर reply आया, चार बार reply आया आपको, यानी कि हम लोगों ने चार packets send किए और चार packets receive भी हुए, कुछ lost नहीं हुआ, यानी कि ये जो server है ये active है और इस पे हम अपना scanning जो perform कर सकते हैं। Okay? कोई ऐसा website का example देखते हैं जो कि active अगर नहीं हुआ और उसको अगर हम ping करेंगे तो वो वहां से response जो आएगा वो आपका failed बताएगा, reply from this IP bytes equal to 32, time equal to इतना, status equal to failed, यानी कि 100% वो loss में चल जाएगा, यानी कि वो active नहीं है। Okay? तो ये पहला तरीका हो गया IP address ढूंढ के निकालने का, तो IP address हमको यहाँ पता चल गया। Okay? ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है dnschecker.org। ये एक website है जिसके help से हम DNS data को extract कर सकते हैं किसी भी website के domain से। तो आप में से कितने सारे लोग DNS के बारे में जानते हैं? What is DNS? How many of you know about DNS? DNS क्या होता है? ओके, डीएनएस को अगर हम समझें तो सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, जिस तरीके से हमारे पास हमारा फोन है उसमें हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट्स में सबके कॉन्टेक्ट स्टोर करते हैं उसके। सपोज कि मेरे फोन में किसी का नंबर मैं स्टोर करता हूँ तो मैं उसको उसके नाम से सेव कर लेता हूँ,
क्यों? ताकि मैं बाद में उस पर कॉल करना चाहूँ तो उसके नाम को सर्च करूँ, कॉल करूँ और डायरेक्टली वो उसके नंबर पे रिंग चल जाता है. ओके, जस्ट लाइक दैट डीएनएस जो है उसका मीनिंग होता है डोमेन नेम सिस्टम. फुल फॉर्म है डीएनएस का डोमेन नेम सिस्टम. इंटरनेट का एक फोन बुक है वो. ओके, डीएनएस इंटरनेट का एक फोन बुक है. जैसे कि कोई भी वेबसाइट के बारे में आप सर्च करते हैं ऑनलाइन, ओके, तो उसका डोमेन नेम जो होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस के थ्रू आपका मीडिएट होता है. यानी कि वो आईपी एड्रेस के थ्रू ही उसके एड्रेस पे वो आपका राउट होता है. अगर हम खोलते हैं google.com, तो google.com का जो डीएनएस रिकॉर्ड हुआ उसको उसके आईपी एड्रेस पे पॉइंट कर देता है. क्यों? उसका एड्रेस पता करने के लिए कि उसका एड्रेस कहाँ है. तो उसके डोमेन को आईपी से रिजॉल्व करके उसका डेटा जहां पे अवेलेबल है उसको फैच करके शो करना रिस्पॉन्स में, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है एक डीएनएस आपको जो है वो रिजॉल्व करता है, उसको आपको कंट्रोल करता है एक डीएनएस मैनेजर. ओके, जैसे कि वेब ब्राउजर जो होता है आईपी एड्रेस के माध्यम से ही आपका कि मीडियम से आपका इंटरनेट से बात करता है, कम्युनिकेट करता है. तो ये सारे के सारे चीज जो है, प्रोसेस जो है, वो डीएनएस हैंडल करता है. ओके, डीएनएस का बेसिक सबसे एग्जांपल ये कह सकते हैं कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करना, रिजॉल्व करना, ताकि ब्राउजर इंटरनेट रिसोर्सेज में से उसको लोड कर सके. ये एक सिंपल सा एग्जांपल है डीएनएस का. इज इट क्लियर कि डीएनएस क्या होता है? एवरीवन, सिंपल डोमेन नेम को आईपी एड्रेस पे रिजॉल्व करना ताकि इंटरनेट जो है उस एड्रेस को खोज के आपको वो डेटा दिखा सके, आपको वेबसाइट वो दिखा सके. तो ये काम होता है डीएनएस का. ओके, अब डीएनएस में काफी तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि ए रिकॉर्ड, AA रिकॉर्ड, सीनेम रिकॉर्ड, MX रिकॉर्ड, NS रिकॉर्ड, PTR रिकॉर्ड, SRV रिकॉर्ड, SOA रिकॉर्ड, TXT रिकॉर्ड, CAA रिकॉर्ड. ये सारे के सारे अलग अलग टाइप के डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं. ए रिकॉर्ड में आपका होस्ट का एड्रेस होता है, मतलब उसका आईपी एड्रेस, जो सबसे बेसिक होता है. ओके, कोई भी वेबसाइट में अगर ए रिकॉर्ड नहीं हुआ तो वो वेबसाइट काम ही नहीं करेगा, बिकॉज वो वेबसाइट का आईपी एड्रेस ही रिजॉल्व नहीं हुआ. अगर आईपी एड्रेस ही रिजॉल्व नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा? ओके, तो यहां पे हम पहले अपना वो डोमेन नेम डालते हैं dvwa.co.uk. तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को जो आईपी एड्रेस मिला था पिंग कमांड से वो था 178.79.147.242. अब यहाँ पे हम इस डोमेन को डालते हैं, ए रिकॉर्ड सेलेक्ट करते हैं, सर्च पे क्लिक करते हैं. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आईपी एड्रेस जो है रिजॉल्व होकर आ गया 178.79.147.242, जो कि सेम है हम लोग के रिकॉर्ड में भी, और अलग अलग कंट्रीज में भी सेम उसके आईपी एड्रेस है. जो बड़े बड़े वेबसाइट्स होते हैं वहां पे वो जरूरी नहीं है कि उसका आईपी एड्रेस सेम हो, अलग अलग वेबसाइट्स के हिसाब से अलग अलग आईपी एड्रेस हो सकता है. तो ये वेबसाइट जो है dvwa.co.uk सब जगह एक्टिव है सिवाय चाइना के. चाइना में ये रिजॉल्व नहीं है, यानी कि चाइना में ये बैंड है. ओके, यानी कि चाइना में लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे. ओके, तो देख पा रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इटली, टर्की या कहीं भी हो, सब जगह उसका यही आईपी एड्रेस रिजॉल्व हो रहा है. तो यानी कि एक ये तरीका हो गया आपको आईपी एड्रेस पता करने का. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं गूगल का, इसमें हम उसका डोमेन देखते हैं, उसका आईपी एड्रेस अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से क्या है. तो जैसे हम सर्च करते हैं तो आप यह देख पा रहे होंगे कि किसी किसी कंट्री में 172.217, किसी किसी में 110, किसी में 142, किसी में 216, अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से उसका अलग अलग आईपी एड्रेस है. ओके, बड़े बड़े वेबसाइट्स का, बड़े बड़े कंपनीज का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है हर एक कंट्री के हिसाब से, क्योंकि उनके हर एक कंट्रीज में अलग अलग डेटा सेंटर्स हैं. गूगल का इंडिया में भी डेटा सेंटर है, गूगल का यूएसए में भी डेटा सेंटर है, गूगल का चाइना में भी डेटा सेंटर है, इसलिए उनका आईपी एड्रेस अलग अलग है. बट छोटे मोटे वेबसाइट्स जो होते हैं उनका डेटा सेंटर सिर्फ एक ही होता है, इसलिए उनका आईपी एड्रेस भी कॉमन होता है. तो dvwa का आईपी एड्रेस जो है वो ये हुआ. ओके, चेक करते हैं अब इसका हम AA रिकॉर्ड. इसमें हम IPv6 एड्रेस को पता लगाते हैं. अगर किसी वेबसाइट का IPv6 आईपी एड्रेस हुआ तो वो इसके हेल्प से हम पता कर सकते हैं. तो dvwa.co.uk का तो IPv6 है ही नहीं, तो यहाँ पे वो क्रॉस दिखाएगा. ओके, सीनेम पता करते हैं, सीनेम क्या है इसका रिकॉर्ड. सीनेम में भी कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है. MX मतलब होता है मेल सर्वर का रिकॉर्ड. हर एक वेबसाइट का अपना खुद का प्राइवेट मेल सर्वर होता है, जिसके हेल्प से वो ईमेल सेंड या रिसीव करते हैं. सर्च करेंगे
तो देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका मेल सर्वर है mail.dbwa.co.uk, इसका ये मेल सर्वर का नेम सर्वर रिकॉर्ड है। फिर एनएस रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड मतलब होता है नेम सर्वर रिकॉर्ड। हर एक वेबसाइट का अपना अपना नेम सर्वर होता है जो कि होस्टिंग प्रोवाइडर की तरफ से मिलता है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे ns1.linode.com, ns2.linode.com, linode.com जो है एक होस्टिंग प्रोवाइडर है यूएस का, ओके, जो क्लाउड होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, जहां पे वेबसाइट होस्ट करने का सर्विसेज को आप परचेज कर सकते हैं। तो ये इसका नेम सर्वर है, ये इस वेबसाइट का। तो dns dbw.co.uk जो है इस डोमेन इस होस्टिंग प्रोवाइडर पे होस्टेड है, यानी कि इसके हेल्प से हम लोग ये पता लगा चुके हैं कि ये कहाँ पे होस्ट हो रहा है, यानी कि इसका जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वो है linode.com। नेक्स्ट चेक करते हैं हम, ये सारे रिकॉर्ड्स तो जनरली कहीं नहीं होता है, तो txt रिकॉर्ड चेक करते हैं डायरेक्ट। txt रिकॉर्ड भी कुछ इसका अवेलेबल नहीं है, CA चेक कर लेते हैं, CA रिकॉर्ड भी नहीं, यानी कि इसके गिने चुने 3-4 रिकॉर्ड हम लोग आसानी से ढूंढ पाए हैं। ओके, तो यहां पर किसी को कोई कंफ्यूजन, पिंग से आईपी एड्रेस निकालना और DNS चेकर से आईपी एड्रेस कैसे निकालते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन? एवरीवन, Why different IP for different country? Well, वो depend करता है companies पे। Company अगर बहुत बड़ी है, उसके user base अगर बहुत बड़ा है, उसके पास बहुत traffic आता है, तो वो एक ही IP address पे उसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस पे load बढ़ जाएगा फिर। इसलिए load को distribute करने के लिए अलग अलग servers पे वो अलग अलग IP का use करते हैं, okay? ताकि load जो है वो balance रहे। अगर एक ही IP पे load बढ़ जाएगा, क्योंकि Google और Facebook जैसे जो websites हैं, उस पे बहुत heavy traffic होता है, तो एक आईपी एड्रेस से वो रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए वो आईपी एड्रेस अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होते हैं, और वो टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं, ताकि उनका जो वेबसाइट है वो डाउन ना हो। इज इट क्लियर? व्हाई सम कंट्रीज नॉट रिजॉल्व दिस? वेल, जिस कंट्री में ब्लॉक होते हैं वो वेबसाइट्स, वहां पे वो रिजॉल्व नहीं होगा, यानी कि वहां पे वो अवेलेबल ही नहीं है जहां पे रिजॉल्व नहीं हुआ। ओके, मूविंग फर्दर। अब यहाँ पे हमको जो अपना आईपी एड्रेस है वो मिल चुका है। अब इस आईपी एड्रेस को हम लोग एनमैप में यूज करने वाले हैं। एनमैप टूल जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनमैप जो है बेसिकली एक CLI बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो कि हम काली लिनक्स में यूज करते हैं, बट विंडोज के लिए भी एनमैप का एक वर्जन अवेलेबल है, जो कि है ZenMap, जो कि विंडोज GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसको आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से, और इस सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। यहां पे क्लिक कीजिए और आपका जो एनमैप है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो अपने हम एनमैप को ओपन कर लेते हैं एक बार। ओके, तो ये हमारा एनमैप जो है वो ओपन हो चुका है। अब क्या करना है हमको यहाँ पे, उसका आईपी एड्रेस डाल के स्कैन परफॉर्म करना है। तो कुछ यूजर्स पूछ रहे हैं कि कैन यू शो अस इन लिनक्स? वेल, लिनक्स का जो होगा वो हम कवर करेंगे। अभी लिनक्स का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वो काफी एडवांस हो जाएगा आपके लिए। पहले जो बेसिक्स है वो समझिए, कैसे विंडोज में काम कर रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, देन आप लिनक्स में मूव कीजिए। लिनक्स में जितना भी काम होता है वो सारे के सारे कमांड लाइन में होता है, तो डायरेक्टली कमांड यूज करने में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, इसलिए पहले विंडोज में समझिए कि कैसे काम करता है, देन उसको आपका कमांड यूज करने में आपको आसानी होगा। ओके, व्हाई इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट शोज फॉरेन सर्वर?
पहली बात तो आपको इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट को स्कैन करना इलीगल है, अगर आप वो कर रहे हैं तो उसका रिस्क आपके ऊपर होगा। और दूसरा बात कि उसका फॉरेन सर्वर क्यों शो कर रहा है, वो डिपेंड करता है हर एक सर्वर्स पे, जरूरी नहीं है कि उनके सर्वर्स जो है इंडिया में ही हो। पहली बात, इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स को स्कैन करना इलीगल है, तो आई रिकमेंड टू डू नॉट स्कैन एनी इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स। ओके okay. तो यहाँ पे हम अपने टारगेट में वो आईपी एड्रेस डालेंगे जो कि यहाँ पे हमको मिला 178.79.147.242, इसको यहाँ पे हम डालते हैं। ओके okay. प्रोफाइल में इंटेंस स्कैन हम सिलेक्ट करेंगे और कमांड जो होता है वो ऑटोमेटिक कमांड यहाँ पे ले लेगा आपका इंटेंस स्कैन का। एंड मैप हाइफन T4, T4 इस होता है आपका टाइमिंग कंट्रोल करने के लिए, ताकि यहाँ पे आपका टाइम आउट जो होगा वो अगर देर तक हो रहा है, यानी कोई रिस्पॉन्स देर तक नहीं हो रहा है, तो वो उसको कैंसिल कर देगा। ओके हाइफन ए हाइफन बी आईपी एड्रेस, हाइफन ए मतलब उसका ए रिकॉर्ड जो हुआ डीएनएस का। ओके एंटर करेंगे और वो स्कैनिंग जो है वो शुरू कर देगा। ओके तो यहाँ देख सकते हैं कि जो स्कैनिंग है वो शुरू हो गया है, वो सारे के सारे डेटा को वहां पे निकालना शुरू कर देगा। लॉक्स पे ध्यान रखिए आप, लॉक्स में आप देख पा रहे होंगे कि डिस्कवर्ड ओपन पोर्ट, डिस्कवर्ड ओपन पोर्ट, अलग अलग पोर्ट्स के बारे में वहां पे इंफॉर्मेशन वो शो करना शुरू कर दिया है। तो इसके लॉग को, रिजल्ट को फिनिश होने तक का वेट करेंगे। इन मीन टाइम थोड़ा हम इसके जीयूआई के बारे में समझ लेते हैं। टारगेट बॉक्स में आपको आईपी एड्रेस डालना है, प्रोफाइल में आपको बाय डिफॉल्ट इंटेंस स्कैन सेलेक्ट करना है, बिकॉज इंटेंस स्कैन जो है उसका मतलब होता है डीप स्कैनिंग, यानी उस टारगेट के बारे में सारा का सारा ए टू जेड स्कैन करो। और कमांड लाइन में आपको कमांड देना पड़ता है, बिकॉज एनमैप जो है वो एक कमांड लाइन इंटरफेस सॉफ्टवेयर है, बेसिकली जो लिनक्स में ही यूज किया जाता है। बट ये जो जेनमैप बना हुआ है इसमें भी कमांड हमको पास करना पड़ता है, जो कि ऑटोमेटिक हो जाता है। कमांड में सबसे पहला कमांड है एनमैप। एनमैप कमांड के बाद ही कोई भी आपका जो इंस्ट्रक्शन हुआ आपको वहां पे पास करना है। हाइफन T4 मतलब यानी कि टाइम आउट, टाइम आउट फोर, यानी कि टाइम आउट फोर से ज्यादा हुआ तो वहां पे वो उस रिजल्ट को वहां पे बंद कर देगा, उस स्कैनिंग टास्क को वहां पे वो स्टॉप कर देगा, ताकि टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो। हाइफन ए मतलब आपका हुआ ए रिकॉर्ड, और हाइफन बी जो हुआ वो आईपी एड्रेस को स्कैन करने के लिए इंटेंस स्कैन का कमांड हुआ। आईपी एड्रेस पास किए हम लोग यहाँ पे, एंटर किए और जो आपका स्कैनिंग है वो शुरू हो जाएगा। एनमैप आउटपुट में आपका जो लॉग का आउटपुट हुआ वो वहां पे दिखाएगा, कब चालू हुआ, कब बंद हुआ, बाकी जो डेटाज हैं पूरे के पूरे यहाँ पे आपका लॉग में दिखाएगा। पोर्ट्स स्लैश होस्ट, होस्ट में कितने पोर्ट्स ओपन हैं, कितने पोर्ट्स क्लोज हैं, कितने सारे होस्ट हैं, वो सारे के सारे दिखाएगा। टोपोलॉजीज, होस्ट डिटेल्स और स्कैन, सारे के सारे रिजल्ट्स हो गए आपके पास। ओके okay? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमको एक होस्ट मिला जो कि है li267.24-242.members.lino.com। तो ये होस्ट हुआ। तो अभी जैसे स्कैनिंग जो है कंप्लीट हो गया, शायद हम स्क्रॉल करते हैं थोड़ा नीचे, तो आप देख पा रहे होंगे कि हर एक पोर्ट का डिटेल्स यहाँ पे आपका आ चुका है। पोर्ट नंबर 80 स्टेट ओपन सर्विस रनिंग HTTP वर्जन NGINX, TCP स्टेटस फिल्टर्ड यानी कि वो कुछ काम नहीं कर रहा है, सर्विस ये रन कर रहा है। पोर्ट नंबर 222 स्टेटस उसका है ओपन, सर्विस रन कर रहा है SSH, और वर्जन है उसका 6.6.1 ओपन SSH Ubuntu। पोर्ट नंबर 443 ओपन स्टेटस है उसका भी, HTTPS रन कर रहा है उस पे, और उसका जो वर्जन है वो है NGINX। ओके
और बाकी सारे जितने भी पोर्ट्स हैं वो सारे के सारे ना ओपन है ना क्लोज है, वो फिल्टर्ड है, यानी कि उस पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। फिर है पोर्ट नंबर 8080 TCP स्टेट ओपन सर्विस SSH वर्जन ओपन SSH 6.6.1। फिर और आईपी एड्रेस हमको मिले, डिवाइस टाइप फायरवॉल, फायरवॉल का स्टेटस दिखा रहा है रनिंग है फायरवॉल, OS जो दिखा रहा है वो है 40 gate 100 D फायरवॉल, नेटवर्क डिस्टेंस 22 hops, सर्विस इन्फो आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, ट्रेस आउट कमांड आपका कंप्लीट हो चुका है, पोर्ट स्कैनिंग भी खत्म हो चुका है। ओके, हमारा रिजल्ट जो है यहाँ पे फाइनली शो हो गया। पोर्ट स्लैश होस्ट पे क्लिक करते हैं, जितने भी पोर्ट्स ओपन हैं, जितने भी पोर्ट्स क्लोज हैं, जितने भी पोर्ट्स फिल्टर्ड है वहां पे आपको शो कर देगा। ओके, ग्रीन वाले मतलब पोर्ट ओपन है यानी कि वो पोर्ट खुला हुआ है, लाल मतलब पोर्ट आपका जो है वो क्लोज है या तो फिल्टर्ड है, ओके, जिसपे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और सर्विस उस पे मतलब जो रन कर रहा है और वर्जन जो है उसमें आपका जो उस पर्टिकुलर सर्विस का वर्जन हुआ। टोपोलॉजी पे जाएंगे तो जो भी उसका टोपोलॉजी हुआ आपका वहां पे शो कर देगा। होस्ट डिटेल पे जाएंगे तो होस्ट डिटेल पे आपका शो करेगा स्टेटस उसका अप है या डाउन है, कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स ओपन है, कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स फिल्टर्ड है, कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स क्लोज है, टोटल पोर्ट्स कितने हैं, अप टाइम नॉट अवेलेबल, लास्ट बूट नॉट अवेलेबल, IPv4 6 आपको वहां पे 4 आपको वहां पे एड्रेस मिल गया, होस्ट नेम उसका ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम ये है, एक्यूरेसी 88%। ओके, तो ये सारे के सारे डिटेल्स जो है आप इजिली Nmap के थ्रू खोज सकते हैं, बिकॉज ये बेसिक डिटेल्स जानने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे किसी कोई कंफ्यूजन प्लीज चैट में आप पूछ सकते हैं। ध्यान से एक बार आप लॉग को दोबारा पढ़िए स्टार्टिंग से लेके कैसे लॉग बनना शुरू हुआ, इनिशिएट कैसे हुआ। टोपोलॉजी, ओके, टोपोलॉजी जो हुआ एक आपका नेटवर्क जो हुआ, जो वेब सर्वर वो नेटवर्क को यूज कर रहा है अपने लोकल होस्ट से लेके यूजर तक को पहुंचाने तक, जो भी वो स्टेप बाय स्टेप अलग अलग आईपी एड्रेस से गुजर रहा है या अलग अलग स्टेप से गुजर रहा है, तो उसका एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। पहले वो लोकल होस्ट के पास गया, देन उसके पास आईपी एड्रेस वाला रिजॉल्व हुआ, देन DNS रिजॉल्व को फॉलो किया, देन जाके लास्ट में यूजर के पास वो डिस्प्ले हुआ। ये सारे के सारे एक अरेंजमेंट हुए अलग अलग एलिमेंट्स के अंडर अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, बिकॉज एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसको वो फॉलो करता है, TCP, UDP, जितने भी उसके स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करता है। ओके, तो कम्युनिकेशन जो हुआ नेटवर्क का, वो जो एलिमेंट्स उसके अंदर जो मौजूद हैं, उन सारे को जो फॉलो वो करता है, तो ये एक नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। ओके, सो नेटवर्क टोपोलॉजी कैन बी यूज्ड टू डिफाइन और डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ various types of telecommunication network, अलग अलग टाइप के आपके टोपोलॉजीज होते हैं, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, ये अलग अलग नेटवर्क टोपोलॉजी होते हैं आपके। अगर आप कोई ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं, सपोज आप BSNL का ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं, Airtel का ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं, वाईफाई कनेक्शन आपने लिया हुआ है, तो वो भी आपका अलग अलग टोपोलॉजी पे बेस्ड होता है। अगर आपने केबल कनेक्शन तक लिया हुआ है वायर वाला, तो वो भी आपका टोपोलॉजी पे बेस्ड होता है, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, अलग अलग वायर कनेक्शन पे डिपेंड करता है। ओके, अलग अलग कैटेगरीज क्यों है, क्योंकि अलग अलग टोपोलॉजीज का अलग अलग स्पीड होता है। बस टोपोलॉजी सबसे फास्ट होता है, रिंग टोपोलॉजी भी बहुत फास्ट होता है, स्टार थोड़ा स्लो होता है, जो केबल कनेक्शन हो आपके बस टोपोलॉजी पे डिपेंड करता है। ओके, टोपोलॉजी यहाँ पे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेप ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट लोकल होस्ट, आईपी एड्रेस और सीधे यूजर, बीच में कोई स्टेप ही नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पे कुछ उतना शो नहीं कर रहा है, सिर्फ लोकल होस्ट एंड देन आईपी एड्रेस, देन मूव किया वो यहाँ पे, देन यहाँ पे मूव किया, देन यहाँ पे और डायरेक्टली फिर सर्वर पे, तो सर्वर का नाम है। ओके, सबको क्लियर है टोपोलॉजी के बारे में?
एवरीवन, ये स्कैनिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी टारगेट के बारे में पता लगाने के लिए, ओके उसके बेसिक इंफॉर्मेशन पता करना बहुत जरूरी है। यहां से आप अपना पोर्ट के बारे में एक बार पढ़ना शुरू कीजिए, यहाँ पे 99955 क्लोज्ड पोर्ट्स हैं, तो इस बार एक बार इस लॉग को पढ़िए आप, यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक ध्यान से एक बार देखिए इसको आप। What is the meaning of filtered port? Well, कभी भी कोई वेब सर्वर रन करता है सर्वर पे तो वो एक फायरवॉल भी उसमें आपका एनेबल रहता है, ओके? फायरवॉल का क्या यूज रहता है? थर्ड पार्टी इंट्रूडर्स को आपके सिस्टम में झांकने से, आपके सिस्टम में एंट्री लेने से ब्लॉक करता है, ओके? उसी तरह एमएप जो है पोर्ट्स का दो कंडीशन बता सकता है, या तो वो ओपन है या तो वो क्लोज है। फिल्टर मतलब ये रहता है कि फायरवॉल एनमैप को ब्लॉक कर रहा है उसके एक्चुअल स्टेट के बारे में पता लगाने से, ओके? यानी कि जरूरी नहीं है कि ये ओपन है, जरूरी नहीं है कि वो क्लोज है। फायरवॉल ने एनमैप को ब्लॉक कर दिया ताकि वो पोर्ट का एक्चुअल स्टेट जान ना पाए, ओके? क्लियर है फिल्टर्ड पोर्ट्स के बारे में? एनीवन, कोई फर्दर कंफ्यूजन? सीनेम रिकॉर्ड, ओके। सपोज कि कोई एक डोमेन है, ओके? वो डोमेन दूसरे डोमेन से अगर आप लिंक करना चाहते हैं, सपोज कि आपने एक वेबसाइट लॉन्च किया, उसका डोमेन नेम है demo.com, बट गूगल उसको वेरीफाई करना चाहता है। तो गूगल उसको वेरीफाई कैसे करेगा? सपोज कि गूगल के कुछ सर्विसेज को आप लेना चाहते हैं, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स का सर्विस, गूगल एड्स का सर्विस, एडसेंस का सर्विस, एडवर्ड का सर्विस। उस केस में क्या होता है, गूगल आपको एक रिकॉर्ड देता है, एक वैल्यू देता है, जिसको आपको सीनेम रिकॉर्ड में स्टोर करना होता है। उसके हेल्प से गूगल वेरीफाई करता है कि आपका डोमेन अब गूगल से अटैच हो चुका है, ओके? तो सीनेम रिकॉर्ड का फुल फॉर्म होता है कैनोनिकल नेम रिकॉर्ड। सीनेम मतलब कैनोनिकल नेम रिकॉर्ड, ओके? एक ऐसा रिकॉर्ड का टाइप है जिसमें आप डोमेन नेम सिस्टम में एक डोमेन को दूसरे डोमेन पे कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ओके? इसका आपका स्टोर होता है सीनेम रिकॉर्ड्स में। सीनेम रिकॉर्ड्स क्लियर है सबको? कैन वी एक्सेस एनी पोर्ट? हम कोई भी पोर्ट यहाँ एक्सेस नहीं कर रहे हैं, हम पोर्ट्स को ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, ना कि हम एक्सेस कर रहे हैं। जितने भी पोर्ट्स ओपन हैं, क्लोज हैं, फिल्टर्ड हैं, वो सारे के सारे डेटा आपको यहाँ पे दिखाएंगे, कोई भी बचता नहीं है। वन से लेके 1000 तक पोर्ट्स आपके होते हैं, ओके? सो वो 1 से लेके 1000 तक पोर्ट के बीच में जितने भी पोर्ट्स पे अलग अलग सर्विसेज रन करते हैं, वो सारा का सारा यहाँ पे रिजल्ट में दिखाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। क्लोज है या ओपन है वो सारा का सारा यहाँ दिखाएगा, ओके? जो जो पोर्ट्स वो लोग यूज ही नहीं कर रहा है वो आपको शो ही नहीं करेगा, या तो क्लोज वाला शो करेगा, या तो ओपन शो करेगा, या तो फिल्टर शो करेगा। जो यूज ही नहीं है, जो उस सर्वर से सिक्योरिटी ही नहीं है, वो आपको वहां पे दिखाएगा ही क्यों, ओके? कोई भी सर्च क्वेरी परफॉर्म करने के बाद इस रिजल्ट को आप सेव कर सकते हैं, स्कैन पे जाके सेव स्कैन पे क्लिक करके,
आप उस स्कैन को यहाँ पे सेव कर सकते हैं, नेम डाल के और सेव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप लोकेशन अपना सिलेक्ट करके। अगर आपको पोर्ट्स का रेंज देना है, सपोज आप चाहते हैं कि पोर्ट्स का रेंज दें, तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं हाइफन पी, 1 से लेके अगर आप देना चाहते हैं 1000 तक का रेंज, या 6000 तक या 6500 का रेंज, तो आप ऐसे पास कर सकते हैं। ओके, हाइफन पी, 1 से लेके जो पोर्ट का रेंज देना चाहते हैं उतना ही आपका फिर स्कैन होगा। 1 से 10 करना चाहते हैं तो 1 से 10 कर दीजिए, यानी कि 1 से लेके 10 तक के बीच में जो पोर्ट्स रहेगा वही स्कैन करेगा। तो ये डिपेंड करता है कमांड्स पे। ओके, तो एनमैप में अलग अलग कमांड्स होते हैं अलग अलग यूज के हिसाब से। उस कमांड को आप यहां से पता लगा सकते हैं इजिली, ऑनलाइन वो अवेलेबल भी होता है, और साथ ही साथ मैं इस टेक्स्ट फाइल को शेयर भी करूंगा एनमैप के कमांड्स का। होस्ट स्कैन के लिए अलग कमांड है हाइफन एसपी, अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग कमांड है, लिनक्स में अलग अलग कमांड है, पिंग के लिए अलग है, पोर्ट के लिए अलग है, su, sn, st, ss, OS स्कैन करने के लिए अलग कमांड है, हाइफन जीरो से आप OS स्कैन कर सकते हैं, टॉप पोर्ट्स 20 अलग अलग कमांड्स उसके लिए हैं, फाइल का आउटपुट सेव करने के लिए अलग अलग कमांड है हाइफन ox, DNS नेम को रिजॉल्व नहीं करना है उसके लिए अलग कमांड है। ओके, तो ये सारे के सारे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अलग अलग कमांड्स जो हैं वो डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पे किसी कोई कंफ्यूजन, आईपी एड्रेस पहले पता लगाना और एनमैप में इसको स्कैन करने से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन आपको, प्लीज लेट मी नो इन द चैट एवरीवन। तो जैसा कि मैंने बताया, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए पहला आपका स्टेप होता है इंफॉर्मेशन गैदर करना, टारगेट का एड्रेस पता करना, टारगेट की लोकेशन पता करना, या टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, देन जाके हम बाद में उसके इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं उसके खिलाफ, उसके इश्यूज को पता लगाने के लिए, उसके बग्स को पता लगाने के लिए, और उसके खामियों को पता लगाने के लिए। RSA एंड DSA आपका अलग टॉपिक है, उसको हम बाद में देखेंगे। DSA का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम, और RSA आपका अलग टर्म होता है, तो इसका अभी हमको जानने की कोई जरूरत नहीं अभी आपका, इसको बाद में हम लोग कवर करेंगे RSA और DSA का। बेसिकली ये साइनिंग अथॉरिटी होते हैं जो कि आपका वेबसाइट का SSL सिक्योरिटी इसको वेरीफाई करते हैं,
जो वेबसाइट HTTPS यूज करते हैं उनका ये एक SSL सिक्योरिटी इशू होता है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, आपको दिखाई देगा कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपके उसके सर्टिफिकेट्स की इन्फॉर्मेशन दिखाया जाएगा आपको। यहाँ पे देख पा रहे हैं सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी क्लाउड फ्लेयर नाम के एक अथॉरिटी है जिसने इसको इशू किया सर्टिफिकेट। ओके, तो ये आपका RSA DSA डिफरेंट थिंग है। ओके, तो किसी को कोई कंफ्यूजन अब तक इंफॉर्मेशन गैदरिंग में? अब कोई भी वेबसाइट के बारे में हम सर्च करते हैं उसका IP एड्रेस को पता लगाने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि उसका प्राइमरी डोमेन पे ही उसके वल्नरेबिलिटीज हों। ओके, बहुत सारे वेबसाइट्स का सब डोमेन भी होता है, तो हम सब डोमेन के भी आईपी एड्रेसेस को स्कैन करके उस पर भी अपना स्कैनिंग जो है परफॉर्म कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों के बारे में, कितने लोगों को मालूम है सब डोमेन के बारे में? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट सब डोमेन? क्लाउड फ्लेयर आपका एक अथॉरिटी है, एक वेबसाइट है, सर्विस प्रोवाइडर है जो कि आपको या तो SSL सर्विसेज इशू करने के काम आता है और आपके वेबसाइट का लोड कम करने के काम आता है। अगर आपके वेबसाइट स्लो लोड होती है, बहुत ही उसको टाइम लगता है लोड होने में, तो क्लाउड फ्लेयर आपको हेल्प करता है उसके लोड को घटाने में और उसका लोडिंग स्पीड को फास्ट करने में। ओके ओके, सब डोमेन। ओके, सब डोमेन क्या होता है? अगर आपका कोई डोमेन है सपोज google.com, ओके, तो ये है आपका प्राइमरी डोमेन, इसको कहते हैं सब डोमेन। मतलब होता है कोई डोमेन के अंदर एक और डोमेन, एक सब कैटेगरी उसका, site.google.com, ads.google.com, play.google.com, games.google.com, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग सब डोमेन। तो बड़े बड़े वेबसाइट्स का या तो छोटे छोटे वेबसाइट्स का भी एक डोमेन के अलावा भी बहुत सारे सब डोमेन्स होते हैं और अलग अलग सब डोमेन्स के अलग अलग आईपी एड्रेस भी हो सकते हैं। अगर आपको प्राइमरी डोमेन में कुछ वीकनेस नहीं मिल रहा है तो आप उसके सब डोमेन्स को स्कैन कर सकते हैं और सब डोमेन्स के आईपी एड्रेस को पता लगा सकते हैं। सब डोमेन फाइंडर एक टूल है जिसके हेल्प से आप सब डोमेन्स को स्कैन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कोई भी वेबसाइट का। सपोज google.com का हम सब डोमेन पता लगाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इस वेबसाइट से आप सब डोमेन पता लगा सकते हैं। तो google.com पे अपना सब डोमेन का जो सर्च है शुरू कर चुका है, जितने भी सब डोमेन्स उसको मिलेंगे वहां पे वो उसको शो करेगा। ओके, वेट करते हैं इसका रिजल्ट फिनिश होने तक। आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग सब डोमेन्स का अलग अलग आईपी एड्रेस आ रहा है। जो बड़े बड़े वेबसाइट्स होते हैं उनका अलग अलग आईपी एड्रेस आपको मिलता है। ओके, तो इसका रिजल्ट एक बार हम कंप्लीट होने देते हैं इसको कैच करके। क्लाउड फ्लेयर एज अ VPN काम बिल्कुल नहीं करता है, बिकॉज क्लाउड फ्लेयर का अलग ही बिजनेस प्लान है। क्लाउड फ्लेयर बेसिकली आपके वेबसाइट को सिक्योर करने में यूज होता है।
अगर आपके वेबसाइट में सिक्योरिटी नहीं है तो क्लाउडफेयर उसके लिए यूज किया जाता है। ओके, इसमें क्लाउडफेयर आपको एसएसएल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं उसको सिक्योर करने के लिए, और आपके वेब एड्रेस को वो प्रॉक्सी टाइप का यूज प्रॉक्सी में आपको कन्वर्ट कर देता है। आपके वेबसाइट का रियल आईपी जो है वो अवेलेबल बिल्कुल नहीं होता है सामने वाले को। ओके, तो एज अ वीपीएन उसको टर्म कहना वो गलत होगा, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर जो क्या करता है आपके वेब सर्वर को अपने नेम सर्वर्स पे शिफ्ट कर देता है, यानी कि जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होता है वो क्लाउडफ्लेयर के नेटवर्क से होके परफॉर्म होता है। पहले ट्रैफिक आएगा क्लाउडफ्लेयर के पास, देन वो ट्रैफिक पास करेगा आपके डोमेन या आपके वेबसाइट पे, जिसके हेल्प से क्या होता है कि आपका वेबसाइट जो है वो सिक्योर रहता है। ओके, तो स्कैनिंग यहाँ पे आपका हो चुका है फिनिश। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं यहाँ पे हमको मिल चुके हैं। अलग अलग डोमेन्स, अलग अलग सब डोमेन्स अवेलेबल हैं और अलग अलग आईपी एड्रेस अवेलेबल हैं। अगर आपको प्राइमरी डोमेन पे बग्स नहीं मिल रहे हैं, वल्नरेबिलिटीज नहीं मिल रहे हैं, तो आप सब डोमेन्स पे ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज किसी भी कंपनी के लिए सारे के सारे सब डोमेन्स पे सिक्योरिटी मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं बग जो है रह जाता है। ओके, तो आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। बेसिकली वेबसाइट फ्री नहीं है, सिर्फ दो सर्च के लिए ही आपका ये वेबसाइट फ्री है, बाकी अलग से ये पेड है। बट बहुत सारे टूल्स जो हैं वो फ्री में अवेलेबल हैं, जिसका लिंक जो है पोर्टल पे अपलोड किया हुआ है टूल्स का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टू आईपी इन वन कंट्री, वेल ये डिपेंड करता है। बहुत सारे गूगल का अगर आप पिंग करते हैं गूगल के डोमेन को, तो गूगल का डोमेन हर सेकंड हो सकता है कि चेंज हो जाए। सपोज अगर हम CMD में जाते हैं, पिंग करते हैं google.com, तो हम तो इंडिया से ही पिंग कर रहे हैं, आईपी एड्रेस जरूरी नहीं है कि सेम हो। तो ये अभी शो किया, हो सकता है कि ये 5 मिनट में चेंज हो जाए, तो ये डिपेंड करता है। ओके, गूगल के पास लाखों आईपी एड्रेसेस हैं, ओके, जो कि मेंटेन करने में उसको यूज करता है उसके ट्रैफिक को, क्योंकि गूगल जैसे बड़े वेबसाइट्स के पास ट्रैफिक बहुत आता है। ओके, तो उस ट्रैफिक को डाइल्यूट करने के लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग अलग आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है, ताकि एक आईपी एड्रेस पे वेट जो है, लोड जो है वो ना बढ़े। तो एक सब डोमेन एक ही आईपी को यूज कर सकता है, बट एक आईपी एड्रेस पे हजारों डोमेन्स रन कर सकते हैं। ओके, एक सब डोमेन सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस पे रिजॉल्व हो सकता है, बट एक आईपी एड्रेस पे लाखों हजारों सब डोमेन जो है उसको हम लोग वहां पे कर सकते हैं। IPv6 भी हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ स्कैन कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे एक एक जगह 4 बार A लिखना होगा, A A A ऐसे, तब जाके आपका IPv6 को भी स्कैन करना शुरू कर देगा। Is it clear? किसी को confusion? Please ask me in the chat. Okay. तो ये तो बात रहा आपका सर्वर्स को स्कैन करने का, वेबसाइट्स के बारे में पता लगाने का। अगर आप कोई ह्यूमन टारगेट रखते हैं तो उसको अलग अलग सॉफ्टवेयर के हेल्प से आप पता लगा सकते हैं, जैसे कि डायरेक्टरीज के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल, सबसे बड़ा आपका एक डाटाबेस है, वो है people.com, people.com। इस पे आप पर्टिकुलर यूजर के बारे में कुछ भी सर्च कर सकते हैं अगर वो इंटरनेट पे अवेलेबल हुआ। ओके, अगर आपके पास उस यूजर का लिंक्डइन प्रोफाइल है, उसका फेसबुक प्रोफाइल है, उसका फोन नंबर है, उसका फोटो भी अगर है, तो यहाँ पे आप अपलोड करके उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फेस रिकॉग्निशन, अलग अलग फीचर्स यहाँ पे आपका अवेलेबल है। ओके, बेसिक आपका ये फ्री नहीं है, लेकिन ट्रायल में आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। ओके, या तो आप फेसबुक का भी यूज कर सकते हैं, आप लिंक्डइन का यूज कर सकते हैं, अलग अलग प्लगइन्स भी है और टूल्स भी आपको प्रोवाइड किया गया है, पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं ह्यूमन टारगेट्स में आपको फैच करने के लिए।
ओके क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन इसमें? ओके तो अब हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। ओके किसी भी टारगेट का इंफॉर्मेशन गैदर करना पहले बेसिक स्टेप होता है, उसके बाद हम मूव करते हैं स्कैनिंग में, उसको और डीपली स्कैन करते हैं, देन मूव करते हैं हम लोग उसको उसका फुटप्रिंटिंग में, देन मूव करते हैं हम लोग वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में, उसके वीकनेसेस को खोजने के लिए, फाइंड करने के लिए, देन मूव करते हैं हम लोग एक्सप्लॉइट पे। ओके तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स होंगे बेसिकली हम लोग काली लिनक्स पे करने वाले हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट था वो आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ओके तो सबसे पहले मुझे प्लीज बताइए चैट में कि आप में से कितने सारे लोग मॉड्यूल्स कवर कर रहे हैं, जो मॉड्यूल्स अपलोडेड है वेबसाइट पे। सबसे जरूरी है आपका इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग का मॉड्यूल कवर करना, जो मॉड्यूल अपलोडेड है पोर्टल पे स्लाइड्स में। इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, फुटप्रिंटिंग एंड रेकॉग्नाइजेंस, ये दो अभी कंप्लीट करना आपको बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग कंप्लीट कर चुके हैं या कितने लोग कर रहे हैं प्लीज चैट में कंफर्म कीजिए। एवरीवन, वेल जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया प्लीज वो इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग पहला मॉड्यूल और सेकंड मॉड्यूल फुटप्रिंटिंग एंड रेकॉग्नाइजेंस ये कवर कीजिए, बिकॉज इसी के बाद हम लोग मूव करने वाले हैं अपने लैब मैनुअल, फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग नेटवर्क, एनुमरेशन एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस पे। ओके हाउ डू वी नो आईपी एड्रेस ऑफ अ पर्सन, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का आईपी एड्रेस कहां पता लगा सकते हैं? अगर वो पर्टिकुलर पर्सन लैपटॉप या पीसी यूज कर रहा है तभी आप आईपी एड्रेस निकाल सकते हैं, वो भी आपको उसमें सोशल इंजीनियरिंग वगैरह यूज करना पड़ेगा। ओके और जिन लोगों को कोर्स नहीं मिल रहा है वो जब आपने कोर्स परचेज किया होगा तो उसके टाइम आपको एक ऑर्डर आईडी मिला होगा और एक मेल आया होगा आपको जिसमें एक थैंक यू फाइल होगा, ठीक है। उस फाइल में आपको पोर्टल का यूआरएल दिया गया है, उस यूआरएल पे जाके आपको अकाउंट आपको क्रिएट करना था। उस अकाउंट में जैसे ही आप लॉग इन करेंगे आपका कोर्स जो है वहां पे अवेलेबल होगा अंडर माई कोर्सेज। ओके माई कोर्सेज में नेविगेट कीजिए, वहां पे CEH वर्जन 9 एंड वर्जन 10 दोनों के जो मॉड्यूल्स हैं वो अपलोडेड है, थ्योरेटिकल मॉड्यूल्स। ओके वर्जन 9 एंड वर्जन 10 आर अपलोडेड देयर, सो आपको वर्जन 10 खोल के उसको स्टडी करना है वन बाय वन, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 ओके यस। थैंक यू फाइल डॉट txt नाम का एक फाइल आपको मेल में मिला होगा, उस फाइल में आपको स्टेप्स बताए गए हैं जिसको आपको फॉलो करना है। उसी फाइल में आपका पोर्टल का एक्सेस है, ओके पोर्टल का एक्सेस का यूआरएल है कि क्या क्या स्टेप फॉलो करना है इन ऑर्डर टू एक्टिवेट योर कोर्स एंड द फाइल इज कंप्लीटली सेफ, यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन जस्ट फॉलो दी स्टेप्स और आपका जो पोर्टल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और इनफैक्ट आपको अगर पोर्टल का एक्सेस आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल मेल आईडी कोर्स सपोर्ट के लिए course@onebytelabs.in अपने पेमेंट रिसीट के साथ, जो हमारी टीम होगी बैकएंड टीम वो मैन्युअली आपका कोर्स जो है वो एक्टिवेट कर देगी आपका अकाउंट क्रिएट करके। ओके और टेलीग्राम चैनल में अगर आप स्क्रॉल करते हैं सबसे टॉप में तो वहां मॉड्यूल्स अपलोड भी किया गया है गूगल ड्राइव पे, जिनके पास गूगल ड्राइव का लिंक है आप वहां से भी मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे वर्जन 10 का लैब मैनुअल एज वेल एज थ्योरेटिकल सारा चीज प्रोवाइड किया गया है। टूल्स का यूआरएल भी अपलोड किया गया है, वो एक टोरेंट यूआरएल है, आपको यू टोरेंट नाम के ऐप का यूज करके टोरेंट लिंक से सारे के सारे टूल्स जो है वो डाउनलोड करने हैं। हमारा एंड्रॉइड ऐप भी है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीटली सेफ है वो एंड्रॉइड ऐप, वहां से भी अपने आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। जिनके पास आईफोन है उन लोग को रिकमेंड करेंगे हम वेबसाइट वर्जन यूज करने का, जिनके पास एंड्रॉइड है उनको रिकमेंड करेंगे हमारा एंड्रॉइड ऐप यूज करने का।
ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने प्रैक्टिकल्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बाद से. ओके, यस, कोई भी टूल आप जो टोरेंट से डाउनलोड करने वाले हैं वो सारे के सारे सिक्योर है. ओके, आप उसको नॉर्मली यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है. लैब मैनुअल जिनको नहीं मिल रहा है, हम अपने बैकएंड टीम से उसको चेक करवाएंगे और उसको फिक्स करवाने की कोशिश करेंगे. हाउ टू कनेक्ट वाईफाई इन काई लिनक्स, वेल आपको वीएमवेयर में जाके उसको सेटिंग्स करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, जो कि अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे. इनके लैपटॉप में काई लिनक्स में वाईफाई या नेटवर्क नहीं कनेक्ट हो रहा है, उसको हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं. टोरेंट फाइल आपका पोर्टल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. पोर्टल पे टूल्स सेक्शन में जाइए, वहां पे आपका टोरेंट का यूआरएल दिया हुआ है. ओके एवरीवन, तो हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करने वाले हैं अपने प्रैक्टिकल्स को. इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के बाद जो भी प्रोसेस है, फुटप्रिंटिंग, रिकॉग्निशंस, स्कैनिंग नेटवर्क्स, एनुमरेशंस एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस. ओके, तो इसको हम कवर करने वाले हैं. बिफोर यूज टोरेंट कैन वी नीड टू यूज वीपीएन? नहीं नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है. आपको वीपीएन यूज करे बिना भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा कोई इलीगल स्टफ नहीं है वो, उसमें कोई इशू नहीं है. सीईएच का ये टूल है, इसी काउंसिल यूनिवर्सिटी के थ्रू प्रोवाइडेड है, जो कि यूएसए में बेस्ड एक यूनिवर्सिटी है, जिसके थ्रू ये पूरे के पूरे टूल्स जो हैं ये सर्टिफाइड हैं. ओके, ये सारा का सारा जो कोर्स है मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 20, ये एक इसी काउंसिल यूनिवर्सिटी नाम की यूनिवर्सिटी जिससे हम लोग सर्टिफाइड हैं. ओके, उसके थ्रू ही सर्टिफाइड है, इसमें एक भी चीज ऐसा नहीं है जो कि इलीगल है. बस डिपेंड करता है आपके यूज करने के तरीके पे. अगर आप उसको इलीगल स्टफ के लिए यूज करते हैं तो आपका रिस्क है, और अगर उसको आप रिकमेंडेड तरीके से यूज कर सकते हैं तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. लैब का जो रजिस्ट्रेशन है वो चालू हो चुका है, मंडे को आपको लैब जो है वो सारे के सारे वर्चुअल लैब्स मिल जाएंगे. ओके एवरीवन, सो आज के क्लास के लिए इतना ही. आप क्लास को लीव कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग 30 मिनट के अंदर अपलोड हो जाएगा और ग्रुप में आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा. ओके, कोई भी क्वेरी सजेशंस आपको हैं तो आप course@onebytelab.in पे मेल कर सकते हैं. एक सपोर्ट स्पेशलिस्ट आपके आपको रिप्लाई वहां से मिल जाएगा आपको. ओके, सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस. आप क्लास को लीव कर सकते हैं एंड हैव अ गुड नाइट.